आपको पता है वो समय आने वाला है जब आपको आपके बच्चों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ेंगे। जो घर आज बिखरा रहता है वो कल बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। जो आपसे आज ढेरों सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ एक इक्के दुक्के ही रह जाएंगे। जो घर में किलकारियां या शोर मचता रहता है वो शांति में तब्दील हो जाएगा। क्यों, कब होगा ऐसा? जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, जब वो छोटे बच्चे नहीं रहेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु एंड वेलकम टू द चैनल अल्बेलियन। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि जो ये टाइम है जिसकी आज हम शिकायतें करते रहते हैं, ये टाइम जब चला जाएगा तो हमें रिग्रेट ना हो, हम इस मोमेंट को भी इंजॉय करें और कल को इसके बारे में जब बात करें तो हमारे पास बहुत सुनहरी मेमोरीज। हाउ टू बी अ बेटर पेरेंट, आज इस बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, वो आप पर डिपेंड करते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो आपको ये शिकायतें रहती हैं, अरे मैं ही नहलाऊं, मैं ही सुलाऊं, मैं ही खिलाऊं, तो मेरा तो पूरा दिन ऐसे बिजी चला जाता है, मैं क्या ही करूं, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे वो आप पर डिपेंड नहीं करेंगे तो आप मिस करेंगे इन चीज़ों को, मानते हैं ये। आज ना मैं आपको चार टिप्स देने वाली हूँ कि आप इन मोमेंट्स को एंजॉय करते करते कुछ जो अनइंटेंशनली गलतियाँ हो जाती हैं वो ना करें, क्योंकि वो आपके बच्चों को फ्यूचर में ट्रबल कर सकती हैं। इस बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटर बनने की सबसे पहली टिप है, लेट देम एक्सप्रेस। जी हाँ, आज वो हैप्पी हैं, सैड हैं, जॉली मूड में हैं, एंग्री मूड में हैं, नॉटी मूड में हैं, किसी भी मूड में हैं, वो कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, उनकी बात नहीं काटें आप। क्या होता है, जैसे बच्चा कुछ बताने लगता है वो रिपीट करता है, तो आप इरिटेट होकर या तो बहुत जल्दी जल्दी सुनने की कोशिश करते हो या फिर सोचते हो बस चुप कर जाए यार, बार बार यही रिपीट कर रहा, आप इरिटेट हो जाते हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। बच्चा अगली बार एक्सप्रेस नहीं करेगा और कल को वो एक्सप्रेसिव भी नहीं बन पाएगा, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप फील करते हो उसे कई लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है? तो लेट देम एक्सप्रेस, आपको बस दो चीज़ें करनी है। पहली, आपकी अटेंशन, आपको प्रॉपर अटेंशन देनी है उस टाइम जब वो कुछ बात बताने लगे, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, आपके कान उनकी बातों में होने चाहिए। सेकेंड, पेशेंस, वो रिपीट करेंगे आप इरिटेट नहीं होंगे। सो प्लीज लेट देम एक्सप्रेस, उनको बैकग्राउंड नॉइस या वॉइस ना बनने दे, उनकी सुने ताकि वो फ्यूचर रेडी होए। मोमेंट भी एंजॉय कीजिए, फ्यूचर रेडी भी करिए अपने बच्चों। सेकंड टिप है, डोंट रिप्रेस। जी हाँ, हमारे यहाँ क्या बताया जाता, अरे लड़के रोते नहीं, अरे लड़कियों को नखरे नहीं दिखाने चाहिए। क्यों? रोना, थोड़ा नाराजगी जताना, ये नेचुरल फीलिंग है। अगर आप इसको रिप्रेस कर देते हैं तो बच्चे का बिहेवियर कल को चेंज हो जाएगा। क्यों? जब हम कोई फीलिंग उनको एक्सप्रेस नहीं करने देते या उस फीलिंग को रिप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, तो वो अंदर बैठ जाती है। अब अंदर बैठी हुई चीजें क्या हो जाती है, आपका बिहेवियर एग्रेसिव बना देती है। और यही होता है अगर आप बच्चों की कोई फीलिंग है उसको रिप्रेस करते हैं। उन्हें बताइए कि झूठ बोलना गलत है, रोना नहीं, चोरी करना गलत है, नाराजगी जताना नहीं। अब आपको यहाँ भी दो काम करने हैं। सबसे पहला, हग। आपका बच्चा रोने लगा है, आपको सिर्फ हग करना है, ये नहीं कहना मत रो या फिर क्यों रो रहे हो, रोना गलत चीज है, कुछ नहीं, सिर्फ हग करो, उसे मेल्टडाउन होने दीजिए। सेकंड, पेशेंस, पेशेंटली अपने बच्चे को सुनिए और उसे बोलने दीजिए, ना कि उसकी कोई फीलिंग दबाइए। इरिटेट हो जाओगे आप, लेकिन उस टाइम रहना है आपको शांत, अपना पेशेंस आप लूज नहीं करेंगे। थर्ड टिप है, डोंट कंपेयर, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड। देखिए, जब एक ही पेरेंट के दो बच्चे सेम नहीं हो सकते तो दूसरी फैमिलीज, दूसरे पेरेंट्स के बच्चे और आपके बच्चे सेम कैसे हो जाएंगे? हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है। गलती कहाँ हो जाती है, जब आप बोल देते हैं ना कि उसके तो इतने अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आए, इस क्यों का जवाब नहीं है उनके पास, वो अपना बेस्ट करते हैं, बच्चे बहुत डेडिकेटेडली अपना काम करते हैं, आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उनको कंपेयर कर रहे हो, इस स्पोर्ट में ये अच्छा है, तुम अच्छे क्यों नहीं हो, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो इतना अच्छा। आपने कंपेयर करके ना तो सिर्फ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर था वो गिराया, बल्कि आपकी पेरेंटिंग पे भी आपने सवाल खड़ा कर दिया। और एक चीज मुफ्त में दे दी आपने उसे, जेलिसी। जो बच्चा उसका दोस्त था, जिसके साथ वो खेलता था, आपने एक चीज भर दी अपने बच्चे में, जेलिसी, ईर्ष्या। वो कल उससे चिढ़ने लग जाएगा, ईर्ष्या रखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स का तो फेवरेट यही है, मेरे फिर पेरेंट्स को तो यही पसंद है, मैं तो शायद यूजलेस हूं उनके लिए। तो आपने गलती की। सो आज के टाइम पे अपने बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, उसे सक्सेसफुल होता देखिए, क्योंकि जब वो ये ईर्ष्या वाले भाव अपने मन में नहीं रखेगा, वो बहुत अच्छा इंसान भी बनेगा, वो सक्सेसफुल भी होगा। सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर किड्स।
फोर्थ टिप, डोंट प्रेशराइज. अपने बच्चों पे प्रेशर डालना बंद कीजिए. देखिए क्या होता है कि आपको लगता है आपका बच्चा एकेडमिक्स बहुत अच्छा कर रहा है, आपने उसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स ला के दे दी, वो खुशी खुशी कर रहा था, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी. आपका एक्सपेक्टेशन बार आपने बहुत हाई रखा हुआ था. आपने अपने बच्चे को कंट्रोल भी करना शुरू कर दिया, प्रेशर भी डालना शुरू कर दिया, अब वो इससे इरिटेट होने लग जाएगा. या फिर आप एक और एग्जाम्पल समझिए कि जैसे स्पोर्ट्स में आप विराट कोहली से इम्प्रेस थे, आपने अपने बच्चे को क्रिकेट अकेडमी में डाल दिया, लेकिन अभी आपने देखा ओलंपिक्स में जब नीरज चोपड़ा गोल्ड लाए तो आप उनसे इम्प्रेस हो गए. अब आपको लगा नहीं इसमें ज्यादा स्कोप है, अब बच्चा इसमें जाएगा. पूरी टेक्निक, पूरा गेम, पूरा स्पोर्ट चेंज करा दिया, उससे पूछा तक नहीं, कंट्रोल भी किया, प्रेशराइज भी किया. परफॉर्मेंस तो खराब होगी ही ना, तो आपने उसका कॉन्फिडेंस भी खराब किया, उसे अलाउ ही नहीं करा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, सिर्फ अपने आप को थोप दिया उसके अंदर. सो प्लीज डोंट प्रेशराइज योर किड. अगर आप अपने बच्चों से कुछ आउटपुट चाहते हैं तो इनपुट भी अच्छा डालिए, ठीक है. अच्छा, एक गलती और कर देते हैं आप जाने अनजाने की, जैसे अपने ड्रीम्स अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना. मान लीजिए आपको कभी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मतलब आपने सुष्मिता सेन को देखा, मानुषी छिल्लर को देखा, तो आपका भी मन किया कि मैं ये बन सकती थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ना बन पाई. तो आपने क्या किया, अपनी बेटी को ये प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया कि कल को तुम्हें मिस यूनिवर्स बनना है, मिस इंडिया बनना है, तो इसके लिए काम करो. बेशक उसके ड्रीम कुछ और. ऐसे ही अगर आपने कोई सीरीज देखी, उसमें बहुत पढ़ाई लिखाई थी और बच्चे आईएएस बन रहे हैं, एस्पिरेंट्स देखी आपने और अपने बच्चे को कहते हैं देखा 24 में से 18-19 घंटे तो ये लोग पढ़ते ही हैं, तो तुम्हें ऐसा ही बनना है. अरे क्या पता म्यूजिक या किसी और चीज में उसकी हॉबी हो, लेकिन आपने डाल दिया प्रेशर बहुत सारा. तो प्लीज ध्यान रखिए कि जो इमोशनल अत्याचार है, ये जो आप अपने बच्चों को कर देते हो जाने अनजाने, ये आप ना करें कि नहीं जी हमारे सपने तो तुम ही पूरे करोगे. अगर उनका ड्रीम और आपका ड्रीम सेम है तो क्या ही बात है. उन्हें टिप्स भी दीजिए और उन्हें बताते रहिए टाइम टाइम पे कि मैं यहाँ पे ये सोचता था, ऐसा तुम कर सकते हो, आइडियाज दे सकते हो. देखिए अच्छा पेरेंट बनना है ना, तो उनको उनके ड्रीम्स अचीव करने दीजिए. जब वो अपने ड्रीम अचीव कर लेंगे तो वो आपके सपने भी पूरे करेंगे, और ये बिलीव आपको रखना ही होगा. जो भी वो एफर्ट्स डाल रहे हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनकी स्ट्रेंथ बनिए, उनको प्रेशराइज करना छोड़िए. सो यही थी आज की वीडियो, यही थे आज के 4 गोल्डन टिप्स जो आपको बेटर पेरेंट भी बनाएंगे, आपके बच्चों को फ्यूचर रेडी करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे. आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, कोई क्वेरीज है तो मुझे मेल कीजिए, और पेरेंटिंग को एंजॉय कीजिए, ये फेज है एंजॉय करने का. थैंक यू सो मच.